नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। हिंदुत्व और भगवान राम का विरोध पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उनके मंत्री उनके नेता सालों से करते हुए आए हैं। टीएमसी की सरकार रहते हुए बंगाल में हिंदुओं के कितने त्योहारों को मनाने से रोका गया, ये सर्वविदित है। अयोध्या में हुए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी टीएमसी ने इससे किनारा कर लिया था, लेकिन अब दीदी के सुर बदल गए हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी राम भक्त बनने की कोशिश कर रही है। हैरानी की बात है कि जिस बंगाल में 2011 में टीएमसी की सरकार बनने के बाद से रामनवमी पर कभी छुट्टी नहीं होती थी, उस बंगाल में इस बार रामनवमी पर अवकाश की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी वाकई राम भक्त बन रही है या फिर इसके पीछे उनका कोई सियासी पैतरा है। राम भक्त तो नहीं, लेकिन इसके पीछे सियासी पैतरा जरूर नजर आता है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ समय में ही लोकसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में अलग होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव से पहले अच्छे अच्छे भी राम भक्त बन गए हैं, कुछ और भी बन सकते हैं। ममता बनर्जी के इस छुट्टी वाले दांव पर बीजेपी भी ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी जो हर बार जय श्री राम सुनते ही गुस्से से नीली हो जाती थी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रामनवमी यानी कि 17 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। ऐसा उन्होंने अपने हिंदू विरोधी छवि को भुनाने के लिए किया है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो। बंगाल में हिंदुओं की रैली या फिर किसी बड़े आयोजन में अक्सर कई बार विवाद की तस्वीरें देखी गई है। आपको बता दें कि टीएमसी की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब टीएमसी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली कर रही है। इसी रैली के साथ टीएमसी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार की शुरुआत भी करेगी। इस रैली का नाम है जनगर्जन सभा। माना जा रहा है कि राम नवमी पर छुट्टी जैसे मुद्दों का इस्तेमाल ममता चुनावी मंचों पर एजेंडा स्थापित करने के रूप में कर सकती है। और अब इसी बीच में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2011 के बाद से पहली बार, यानी कि ममता सरकार जब 2011 में पहली बार को बंगाल में आई थी, तो उसके बाद से रामनवमी पर आज तक कभी छुट्टी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये छुट्टी का ऐलान किया गया है, वो छुट्टी अपने आप में खासी अहम, ये अपने आप में मुद्दा है, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा चुनाव ने अच्छों को राम भक्त बना दिया है, वो भी जो कभी राम का विरोध करते नजर आते थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।